दोस्तों वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन मिल्टन की ग्रेट एपिक जो हमारी है उसको लेके देखेंगे कि पैराडाइज लॉस्ट उन्होंने जो लिखा इसकी शुरू की जो 1 से 26 लाइनों की इस पोएम को पढ़ेंगे। और क्योंकि यही प्रोलॉग जो शुरू की 26 लाइनें यही ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसको बेसिक एकदम जनरल वे में समझेंगे और इजी लैंग्वेज समझेंगे कि पैराडाइज लॉस्ट क्या होता है। बेसिकली अगर स्टोरी की बात करें पैराडाइज लॉस्ट को, तो एडम और ईव को ईडन यानी गार्डन ऑफ ईडन से जो निकाला गया है उसकी कहानी को दिखाते हैं और बताते हैं पैराडाइज लॉस्ट में कि उन्हें क्यों निकाला गया, सैटर्न का इम्पैक्ट क्या रहता है, सैटर्न ने कैसे उन लोगों को गार्डन ऑफ ईडन से बाहर किया और कैसे उनको फ्रूट और जो डिसोबीडियंस फ्रूट रहता है फ्रूट ऑफ नॉलेज कैसे उनको खिलाया गया। तो इसकी कहानी जो है पूरी हम 1 से 26 लाइनों को डील करेंगे। आइए हम समझते हैं पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट को, यह बुक फर्स्ट की स्टोरी है। अगर पैराडाइज लॉस्ट के बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो आप लोग को पता ही है कि पैराडाइज लॉस्ट क्या है, एक इपिक पोयम है। इपिक पोयम है जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ब्लैंक वर्स। और इसकी स्टाइल कैसी है, ग्रैंड स्टाइल, ग्रैंड स्टाइल, ये ध्यान दीजिएगा, ये ग्रैंड स्टाइल में लिखी गई है। अब देखिए पैराडाइज लॉस्ट एंड इपिक पोयम एंड रिटन इन ब्लैंक वर्स बाय द 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन। यानी जॉन मिल्टन जो है 17th सेंचुरी से बिलोंग करते थे, प्यूरिटन एज से बिलोंग करते थे। प्यूरिटन एज का टाइम पीरियड 1625 से 1660, इस पीरियड में इन्होंने जो लिखा। अच्छा, मिल्टन को बी लेडेड एलिजाबेथ एज पोइट भी कहा जाता था, ठीक है। तो इसके दो वर्जन आते हैं, क्या वर्जन आता है, फर्स्ट वर्जन जो आता है पब्लिश इन 1667 कंसिस्ट ऑफ 10 बुक, यानी पहला जो पब्लिकेशन होता है 1667 में 10 बुक में होता है। और अब इसमें क्या करते हैं इसको, यानी कि पैराज लास्ट को 12 बुक में जो फाइनल एडिशन होता है, द सेकेंड एडिशन फॉलोड इन 1674 अरेंज इनटू 12 बुक, 12 बुक को या क्या करते हैं 12 बुक में डिवाइड करते हैं और वह दो बुक पार्ट को डिवाइड करके बनाते हैं बुक 4 और बुक 10। ये बुक को डिवाइड करके 10 बुक को 12 बुक में बदल देते हैं। और क्योंकि इपिक की क्वालिटी होती है कि उसको 12 बुक में होना जरूरी चाहिए। बुक इन मैनर ऑफ वर्जिल्स एनीड की, और किसके मैनर पर लिखी गई, यह क्वेश्चन बनता है, ये वर्जिल की जो एनीड है उसके मैनर पर लिखी गई, विथ मिरर रिविजन थॉट आउट, और इसमें जो माइनर रिविजन होता है उसके थॉट आउट को दिखाया गया है। इट कंसिडर द मिल्टन मास्टर पीस, ये मिल्टन का मास्टर पीस वर्क है, एंड हेल्प्ड सॉलिफाइड इज रिपुटेशन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट ऑल टाइम। यानी इनको रिपुटेशन को बनाया गया और मिल्टन का जब भी नाम आएगा तो आप इनको पैराडाइज लॉस्ट आपके माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा। और ये जो पैराडाइज लॉस्ट की भी स्टोरी है बेस्ड है कंसर्न बाइबिलिकल, इसको बिबिलिकल स्टोरी पे, बाइबल की कहानियों पे बेस्ड है। और इसका क्या है, बाइबल की स्टोरी, फॉल ऑफ मैन द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव बाय द फॉलन एंजल सैटर्न एंड देयर एक्सपल्शन ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन। यानी इसकी पूरी जो कहानी है कि सैटर्न ने कैसे इनको टेम्प किया और इनको गार्डन और ईडन से कैसे एक्सपल्शन कर दिया गया, निकाल दिया गया, पूरी पैराडाइज लॉस्ट की ये कहानी इसमें बताई गई है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन था पैराडाइज लॉस्ट का। आइए इसके थ्रू की जो है हम पोयम समझते हैं, जो लास्ट वर्जन आया हुआ था 1674 में उसका एक टेक्स्ट है। और मैं 5 लाइनें शुरू की 5 लाइनें लिया हूँ और ऐसे ही 26 लाइनों का मतलब हम लोग समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है, ऑफ मैन फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ फॉरबिडन ट्री हुज मोर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड एंड ऑल आवर ओज विथ लॉज ऑफ ईडन टिल वन ग्रेट मैन रिस्टोर अस एंड रिगेन द ब्लिस सीट। देखिए बेसिकली यह कह रहा है, यह कहानी और एडम की ईव की है कि जब भगवान ने यानी गॉड ने एडम को बनाया, ठीक, एडम को जब बनाया गॉड ने एडम को बनाया तो एडम कहाँ रहता था, गार्डन ऑफ ईडन में। यानी गार्डन ऑफ ईडन जब एडम अकेले रहता था तो भगवान के पास गया और कहा कि अकेले रह रहा, भगवान को भी लगा तो एडम की रीब से उन्होंने एक फीमेल कैरेक्टर बनाया जिसको हम कहते हैं ईव। यानी किसको रीब से किसको बनाया, ईव को, ईव को, ईव ही ईव को बनाया। और उसी को कह रहे हैं कि ईव को बनाने के बाद वो दोनों गार्डन ऑफ ईडन रहने हैं। उसके बाद वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस, यानी जो अवज्ञा किया गया मानव के द्वारा पहली बार, और क्या खाया गया, एंड द फ्रूट ऑफ फॉरबिडन ट्री, फ्रूट ए फ्रूट जो एप्पल का फ्रूट होता है, फ्रूट ऑफ नॉलेज,
या नॉलेज का फ्रूट रहता है जो फॉरबिडन ट्री जिसे मना किया था गॉड ने खाने से, उसको एडम और ईव ने खा लिया। और खाने के बाद क्या हुआ, ये फ्रूट कोई आम फ्रूट नहीं रहता, नॉलेज जिसमें आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। और फ्रूट के खाने के बाद क्या होता है, हुज मॉर्टल टेस्ट, दुनिया जिसका जो है मरण वाला टेस्ट था, मॉर्टल मतलब जो मरने हैं, मरणशील डेथ वाला टॉट है टेस्ट है, इससे क्या होता है डेथ इनटू द वर्ल्ड। पहले लोग अमर हुआ करते थे, इमॉर्टल हुआ करते थे, एडम भी इमॉर्टल थे गार्डन ऑफ ईडन में, लेकिन फल को खाने के बाद वो क्या हो गए, मॉर्टल हो गए। और पूरी दुनिया में क्या आया, डेथ आ गई, पूरी दुनिया में डेथ आ गई। एंड ऑल आवर ओज मतलब सैडनेस दुख, यानी पूरे दुनिया में जितने भी दुख हैं, ईर्ष्या है, दुख है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आपके दुनिया में आ गई। और उसका एक ही रीज़न है, जो फल जो खाया गया था फ्रूट ऑफ नॉलेज का फॉरबिडन ट्री से वही। और उसके बाद क्या होता है, उसको खाने के बाद एडम को विथ लॉस ऑफ ईडन, ईडन से निकाल दिया जाता है, ईडन से वहाँ से निकाल के भेज दिया जाता है कि आप ईडन में अब नहीं रहेंगे, आपने जो अवमानना की है आप चले जाइए यहाँ से। गॉड ने उनको ईडन से यानी ईडन से निकाल दिया है हेवन से। अब देखिए क्या कह रहा है, टिल वन ग्रेट मैन, यानी यह क्राइस्ट की बात कर रहा है, जीसस क्राइस्ट। लेकिन वहाँ से तो निकल गए, लेकिन एक आदमी है, टिल वन ग्रेट मैन रिस्टोरस, जो हमें रिस्टोर कर सकता है, फिर मुझे गार्डन ऑफ ईडन पे ले जा सकता है, एंड रिगेन द ब्लिसफुल सीट, और हमें दोबारा जो सीट हमने खोज दिया है उस सीट को प्राप्त करने में हमारी क्या करेगा, हेल्प करेगा। और वह व्यक्ति कौन है, क्राइस्ट है। शुरू की 5 लाइनों में उन्होंने सिंपल सी एक बार मैं बता दे रहा हूँ, यही कहा है कि जो मानव के द्वारा पहली बार गलती की गई, डिसोबीडियंस किया गया, फॉरबिडन ट्री जिस फल को खाने से गॉड ने मना किया था, सैटन ने उनके कान में आके ईव के उस फल को खाने पे मजबूर कर दिया। उस फल को खाते ही इनको एडम गार्डन ऑफ ईडन से निकाल दिया जाता है, पूरी दुनिया में मौत आ जाता है, दुनिया में दुख फैल जाते हैं। अब उसी को बता रहा है कि एक ग्रेट मैन है जो इस चीज़ों को पूरा दोबारा हमें रिगेन करा सकता है, रिस्टोर कराता है, वो कौन है, जीसस क्राइस्ट। शुरू की 5 लाइनों का मतलब समझ में आ गया, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक, आगे देखते हैं शुरू की अगली 5 लाइनों में क्या कह रहे हैं। अब उसके अगली 5 लाइनों में कह रहे हैं एक म्यूजिक के गॉड ऑफ म्यूजिक को याद कर रहे हैं, मूसे को, सिंग एवेलनी मूसे। मूसे कौन है, गॉड ऑफ म्यूजिक, गॉड ऑफ म्यूजिक, गार्ड ऑफ म्यूजिक को याद कर रहे हैं, कि मतलब कह रहे हैं सिंग हेवेलनी सॉन्ग, कि म्यूजिक को याद करके बता रहे हैं कि एक हेवेलनी सॉन्ग गाइज दैट वन द सीक्रेट टॉप। और कहाँ पे गाई, सीक्रेट जिक जहाँ पे गुप्त रूप से जहाँ कोई आता जाता ना, सीक्रेट टॉप पे, ऊंचाइयों पे, ऑफ द ओरेब और द सिनाय। मतलब ये ओरेब और सिनाय क्या है, माउंटेन है, बेसिकली ये माउंटेन है। इस माउंटेन पे जाके कह रहा है कि ओरेब और सिनाय को आप लोग क्या करिए, वहाँ पे जाके आप लोग गाइए। और गाने के बाद कह रहा है कि भाई एक्चुअली गॉड ऑफ म्यूजिक को कह रहा है कि वहाँ पे जो ओरेब और सिनाय की चोटी है उस पर जाके, माउंटेन ऑफ अरेबिया, ये क्या है, माउंटेन है अरेबिया में, वहाँ पे सीक्रेट टॉप पे जाके गाइए और इंस्पायर करिए। डिड्स इंस्पायर, कैसे इंस्पायर किए, जैसे आपने इंस्पायर किया, किसको इंस्पायर किया, द सेफर्ड, द सेफर्ड को जैसे आपने इंस्पायर किया। अच्छा, सेफर्ड वर्ड यहाँ पे मूजेस के लिए आया हुआ है, एम ओ एस ई एस, मूजेस के लिए आया, पूछ सकता है, तो सेफर्ड वर्ड मूजेस के लिए यहाँ पे आया हुआ है। किसको इंस्पायर किया, उस सेफर्ड को इंस्पायर किया, डैट सेफर्ड हु फर्स्ट थॉट द चूजन सीड, जिसने पहली बार क्या किया था, चूज की थी सीड को, बीजों को, इन द बिगिनिंग हाउ द हेवन एंड अर्थ, जब बिगिनिंग में शुरुआत में स्वर्ग और धरती बने थे, यानी जीवन उत्पत्ति की शुरुआत में जब भगवान ने स्वर्ग को बनाया था, अर्थ को बनाया था, उस समय आपने इंस्पायर्ड किया था मूजेस को, और उस पर सीड चूज के और क्या किया था, दुनिया में जीवन का लाया था। अब क्या किया था, रोज आउट ऑफ क्योस। अब वो बता रहे हैं कि जो हेवन और अर्थ बने थे, रोज मतलब राइज, राइज आर आई सी, राइज बनना, आउट ऑफ क्योस, जो वहाँ पे क्योस फैला हुआ था शोरगुल के वातावरण में, आपने क्या किया, हेवन को बनाया, अर्थ को बनाया। अब उसके बाद क्या कर रहा, इफ सियोन हिल, अब एक झरने की बात करेंगे, सियोन हिल की बात करेंगे, जो वहाँ से निकलेगा और बताएगा कि क्या चीज़ें, सियोन हिल ये भी माउंटेन का नाम है, एक तरह से एक माउंटेन है, ठीक है। अब वो ग्रीक माउंटेन है, उसको बता रहा है कि क्या कर रहा, क्रिएट किया आपने, क्या किया, रोज मतलब क्रिएट, क्रिएट किया आपने अर्थ और हेवन को, और सियोन हिल में क्या कर रहा, डिलाइट दी, जहाँ पे हमें बहुत प्लेजर मिलता है, कहाँ, सियोन हिल में बहुत प्लेजर मिलता है, दी मोर, दी मतलब यू, ठीक, मोर एंड सोलेक ब्रुक, ब्रुक मतलब झरना, ब्रुक मतलब सोलेक ब्रुक,
यानि सोले जो सिलाओ का ब्रुक था, सिलाओ का ब्रुक जो था उस ब्रुक को जो झरना था सिलो का बह रहा था, दैट फॉलोड जो बह रहा था फास्ट बाय द ओरेकल गॉड। फास्ट बाय मतलब नियर बाय, नियर बाय नज़दीक से किसके बह रहा था, ओरेकल गॉड के नज़दीक से वह झरना बह रहा था। और वहीं पे क्या कर रहा है, आई देंस और मैं क्या करूँगा, इनवोक दिस एड माई एडवेंचरस सॉन्ग, और वहीं से खड़े होकर मैं इनवोक करूँगा और आपको बुलाऊँगा और आप आएंगे और हमारी सहायता करेंगे। किसमें, माई एडवेंचरस सॉन्ग, कि जो यह ईपिक लिख रहा हूँ, पैराडाइज लॉस्ट लिख रहा हूँ, इस ईपिक को लिखने में, इस ग्रेट ईपिक को लिखने में आप मेरी सहायता करेंगे। यानी ओरेकल गॉड को बता रहा है बेसिकली कि आप आएंगे और यहाँ पे आके हमारी क्या करेंगे, आप सहायता करेंगे इस एडवेंचरस सॉन्ग लिखने में। दैट विथ नो मिडिल फ्लाइट इंटेंट टू सोर। अच्छा, और ये जो सॉन्ग है ग्रेट ईपिक में लिख रहा हूँ, एडवेंचरस सॉन्ग है, या कोई मिडिल फ्लाइट नहीं है, या कोई छोटा मैटर नहीं है, या मिडिल फ्लाइट नहीं है, और जो इसे किना सोर मतलब होता है, इंटेंट टू सोर मतलब जैसे कि सोर का मतलब उड़ान, उड़ान से ले लीजिए कि बहुत बड़ी जो उड़ान लिखते हैं, या कोई छोटी फ्लाइट नहीं है कि मैं एक दो छोटा सा लिखूँ, तुच्छ क्रिएशन कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ी उड़ान है, बहुत इंपॉर्टेंट उड़ान है, ग्रेट ईपिक मैं लिखने जा रहा हूँ, तो इसमें आप मेरी क्या करिएगा, सहायता करिएगा। एबव द एओनियन माउंटेन, अब कहाँ से, अबव द एनियन माउंटेन, माउंटेन एनियन माउंटेन बेसिकली एक तरह का वो है जहाँ पे लोग माउंटेन की जिक्र करते हैं। वाइल इट परस्यू, और जब इसको परस्यू किया गया, थिंग अन अटेम्प्टेड एट इन प्रोज एंड राइम, जब मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ तो आज तक जो अटेम्प्ट या ग्रेट टिपिक लिखने का आया, आज तक ना ही किसी ने पद में और ना ही किसी ने गद में, पद और गद में, ना ही किसी पद में और ना ही किसी गद में ऐसी कृति लिखी गई। यानी जो एडवेंचरस सॉन्ग मैं लिख रहा हूँ पैराडाइज लॉस्ट को, या कोई मिडिल फ्लाइट नहीं है, या बहुत बड़ी कृति है, और आप इसको आके देखिए कि आज तक किसी ने ऐसा अटेम्प्ट नहीं किया है, इस तरह ना ही पद में किया गया है, ना ही गद में किया गया, प्रोज और राइम। ठीक, ये पांच लाइनों का मतलब, बेसिकली पांच लाइनों का मतलब गॉड से वह ऐड मांगते हैं, सहायता मांगते हैं कि आइए झरने किनारे खड़े होकर मैं आपकी मदद मांगता हूँ, मैं एक एडवेंचरस सॉन्ग लिखने जा रहा हूँ जो बहुत बड़ा सॉन्ग है, बहुत बड़ी उड़ान है, आप आके इसमें सहायता करिए। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट पांच लाइनें देखते हैं। अब उसके बाद मिल्टन क्या कह रहे हैं, एंड चीफली दाऊ ओ स्पिरिट दैट डॉट प्रीफर, और यह बता रहे हैं कि दाऊ माने यू, चीफली जो आप हैं यू, वो स्पिरिट दैट डॉट प्रीफर करेंगे बिफोर ऑल द टेम्पल अप राइट हार्ट एंड प्योर, जितने भगवान के याद कर रहा है, जितने भी ऑल टेम्पल्स में, जितने भी अप राइट हार्ट एंड प्योर में, जितने भी दिल से याद कर रहा है, जितने भगवान हैं, जितने भी लोग हैं, देवी देवताएं आए, हमें क्या करें, इंस्ट्रक्ट मी, हमें बताएं, क्या बताएं, दैट दाऊ नोज, जय कि जो वो जानते हैं, भगवान जो जानते हैं, हमारी मदद करें इस ग्रेट टिपिक को लिखने में। दाऊ फ्रॉम द फर्स्ट वाज प्रेजेंट, यानी जो उस समय था और जो इस समय चल रहा है, उस चीज़ को बताने के लिए बात कर रहे हैं कि आपके पास सारी नॉलेज है, आप शुरुआत से सब कुछ जानते हैं, आप हमें बताएं कि मैं इस पैराडाइज लॉस्ट को कैसे लिखूं, और आप हमारी मदद करें विथ माइटी विंग्स आउट स्पीयर्ड, और मेरे ऊपर जैसे पंख फैला के मेरे ऊपर क्या करिए, अपना आश्रय दीजिए, और आश्रय कैसे दीजिए, जैसे डॉब लाइक ए सीट ब्रूडिंग, जैसे कोई डॉब पंछी होता है, बर्ड, डॉब बर्ड होता है, बर्ड जो ब्रीडिंग करता है, ब्रीडिंग करते वक्त जैसे वो अंडे पर बैठ जाता है, और अंडे पर सेने से उसमें एक नए जीवन का, यानी न्यू लाइफ का क्या होता है, न्यू लाइफ का बिगेन होता है, स्टार्ट होता है। अगर अंडा को आप ऐसे सेंगे नहीं, आपके अंदर कितना भी अंडे के अंदर क्यूरियोसिटी हो, अंडे के अंदर कितनी पोटेंशियल हो, लेकिन जब तक डॉब उसको बैठ के उस पर सेगा नहीं, ब्रूडिंग नहीं करेगा, तो अंडे में जीव नहीं पड़ेगा। उसी तरह मिल्टन कह रहे हैं कि मेरे अंदर तो पोटेंशियल है, मेरे अंदर तो सब चीज़ें हैं, आप क्या करिए, अपने पंखों को फैला के मेरे ऊपर बैठिए, जिससे कि मैं एक नए जीवन की उत्पत्ति कर सकूं, और ये अमर जीवन होगा। ठीक, ऑन द बास्ट एबियस, और इस बास्ट एबियस का मतलब ऑन द बास्ट एबियस, इस विशाल अंधेरे में, अंधेरे में, यानी आप मेरी अंधेरे में मदद करिए, मेरे अंदर जो भी अंधेरापन है, इस बास्ट अंधेरे में आप मेरी मदद करिए, इस ब्रूडिंग करने में, इसको नया इपिक लिखने में। बेसिकली ये पांच लाइनों को गॉड अपने आप को इंस्ट्रक्ट करने की बात कर रहे हैं कि वो स्पिरिट सारे देवी देवता को याद करता है, जैसे डॉब एक पंछी होता है जो अंडे पर बैठ के अपने सेता है, उसी तरह आप भी हमारे ऊपर पंखों को फैला के बैठ जाइए। अब नेक्स्ट लाइनों को देखिएगा क्या कह रहा है। अब अगली लाइन कह रहा है कि एंड मिडेस्ट मैडेस्ट इज प्रेग्नेंट, जैसे कि उस बैठता है और बीच में प्रेग्नेंट हो जाता है। व्हाट इन मी इन डार्क, जो मेरे अंदर डार्क है, जो मेरे अंदर डार्क है,
यानी मेरे अंदर जो भी अंधियारा है, इल्यूमिनाई ये मतलब उसको प्रकाशमय करिए, मेरे अंदर के अंधेरे को आप मिटाइए, ठीक। व्हाट इज लो राइज एंड सपोर्ट, अब उसमें आप क्या करेंगे, राइज एंड सपोर्ट करेंगे, जो मेरे अंदर बुराइयां हैं, जो मेरे अंदर लो है, मैं नीचे गिर उसको उठाएंगे और सपोर्ट करेंगे, मेरे अंदर बुराइयों को ख़त्म करेंगे और लो राइज मतलब और हेल्प करेंगे। अब तीन लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट टू द हाईएस्ट ऑफ ग्रेट आर्गूमेंट, और जो ये चीज़ मैं ग्रेट आर्गूमेंट करने जा रहा हूँ, आई मे अजर्ड इटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन, इसमें बेसिकली बता रहा है कि जो मैं एसर्ट करना हूँ, इटर्नल मतलब आप अमर कह सकते हैं, अमर और प्रोविडेंस मतलब कृपा, आप हमारे ऊपर क्या करेंगे, अमर कृपा करेंगे और जस्टिफाई द वे, और वे को दिखाएंगे, वे ऑफ गॉड, कि कैसे भगवान मानव की तरफ आता है, जस्टिफाई करेगा, प्रोसेस है, एक तरह का पर्पज है, ये पर्पज है, पी आर ओ पी एस सी, ये पर्पज है, ये पर्पज़ को बता रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट का क्या पर्पज़ है, जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन, यानी पैराडाइज लॉस्ट के माध्यम से भगवान आएंगे मानव के तरफ, जस्टिफाई द वे करेंगे भगवान किसके तरफ, मानव की तरफ। बेसिकली ये 26 लाइनों की पोएम रहती है जिसको मैंने पढ़ाया। अच्छा, इसमें से एक कुछ लाइनें जो छूट गई थी, इसमें एक लाइन छूटी हुई थी तो उसको हम लोग यहाँ पे देखे हैं, तो नहीं छूटा कुछ नहीं है, सारा मैंने इसमें देख लिया है कि सब कुछ इसमें आ गया है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको पोएम समझ में आई हो तो बताइएगा कैसी लगी पोएम, इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।